आए और बाकी समाज के लोग सामने बैठे तो कृपया ये कार्यक्रम भी अच्छा चलेगा। और आदरणीय जितने लोग अपने काम धंधे छोड़कर समाज की जागृति के लिए आए हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम यादगार स्वरूप रहेगा। आप कुछ ज्यादा ना बोलते हुए मैं बुलाना चाहूंगा संदीप सुजुम्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भी है, एक नौजवान भी है, और जिन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर ये कैसे व्यवस्था करनी है, मंच कैसा बनाना है, कैसे संदेशे करने हैं, अपना दिन रात 3 महीनों से एक किया हुआ है। मैं चाहूंगा संदीप सुजुम्मा जी आए और अपनी बात रखें। मैं मंचस्थ हमारे मुख्य अतिथियों का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। मुझे बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया है। सबसे पहले मैं बोलो भगवान सूर्यसेन महाराज की, बोलो भगवान सूर्यसेन महाराज की, जय शनि समाज, जय शनि समाज। साथियों, इस समाज का इतिहास 5,500 साल पुराना है, लेकिन आज ऐसी स्थिति में यह समाज खड़ा है, उस अंधे कुएं के सामने हम खड़े हैं कि जहां हम गिर गए तो हमें कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। भगवान सूरसेन जी आज से 5,500 साल पहले इस धरती पर और इस समाज के प्रवर्तक बने। ये 5,500 साल पुराना इतिहास है। अब मैं इस समाज का 2,500 साल पुराना इतिहास बताना चाहता हूँ कि जब झेलम नदी के किनारे सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का स्वप्न लेकर भारत भूमि की तरफ बढ़ा तो उसका राजदूत मेगस्थनीज लिखता है कि झेलम नदी के किनारे जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का स्वप्न लेकर बढ़ रहा था तो वहां पर सूरसेनी समाज के वंशज सूरसेनी राजा पोरस अपने हाथों में संगीने लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। ये समाज का 2,500 साल पुराना इतिहास है। 1,000 साल पुराना इतिहास बताता हूँ। जब इस समाज में, जब इस देश पर सबसे पहले मुसलमानों का आक्रमण हुआ, सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो उन लोगों ने राजस्थान के रणथंभौर के राजा सेनापति वीर गुरदान सैनी अपने 10,000 सैनिकों के साथ उन लोगों के साथ लड़ने का काम करते हैं और वहां पर लड़ते लड़ते इस समाज के गौरव के लिए शहीद हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, लेकिन हम उनका कोई नाम नहीं जानते। इस समाज में नानू सिंह सैनी हुए जो पटियाला के राजा जिन्होंने पटियाला बसाया उसका सेनापति थे, जिसके बसाए हुए आज रोपड़ होशियारपुर और जींद कुरुक्षेत्र के सैनी है। इस समाज में गौ माता की हत्या के लिए लड़ने वाला राजा सैनी शेर सिंह सलारिया हुआ। भाई बैठ जाओ, हाथ जोड़ के विनती है आपका, अपना प्रोग्राम है, बिगाड़ो मत, बैठ जाओ। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे आता है तो इस कार्यक्रम को अपना समझे। हमारे बीच में अमित सैनी रोध किया, आदरणीय नायब सैनी जी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन जिन्होंने किया, वे मंच से आपको दिखेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कृपया व्यवस्था में सहयोग करें और एक नारा लगाएं, महाराजा सूरसेन अमर रहे, अमर रहे, अमर। और साथ में अमित सैनी जी के साथ जो व्यवस्था में टीम है, VIP गेट से ही एंट्री हो, निवेदन है पूरे सैनी समाज के लोगों से, ये कार्यक्रम आपका अपना है, व्यवस्था में सहयोग करें और जो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति आया है वो VIP एंट्री है हमारी अलग से बनी हुई है, उधर से जाए। भाई बैठ जाओ, सारे साथी हाथ जोड़ के विनती, बैठ जाओ। कृपया VIP एंट्री से आने का कष्ट करें। गौ माता के लिए बलिदान देने वाला राजा शेर सिंह सलारिया इसी कुल में पैदा हुआ। अब मैं 1857 की बात बताता हूँ। 200 साल इस देश पर अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन 200 साल के इतिहास में ऐसा कोई दिन नहीं था कोई आदमी उनको दिल्ली से दूर रख सका हो, लेकिन मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि सैनी समाज का दादा गुलाम सिंह सैनी, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई की और 123 दिन अंग्रेजों को दिल्ली से दूर रखा, ऐसे ही समाज में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। साथियों, आज हमें समाज के बारे में विचार करना पड़ेगा, समाज के मुद्दों की ओर बात करनी पड़ेगी। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय सूरसेन महाराज। शांति बनाए रखे और जो भी हमारे माननीय VIP आए हैं कृपया VIP दर्शन की एंट्री कराए, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है VIP व्यक्ति की VIP एंट्री से ही एंट्री करवाए। शांति बनाए रखे, सभी साथी बैठे, ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसमें व्यवस्था बनाने का प्रयास न करें। भैया
चल भाई कृपया ये कार्यक्रम आपका अपना है, जोरदार उद्घोष लगाएंगे। सेठ समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराजा सूरदेवी अमर रहे अमर रहे अमर रहे, सेठ समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेठ समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराजा सूरदेवी अमर रहे।